दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप भी अपने फोन में फोनपे की एप्लीकेशन यूज करते हैं और आप उसको सिक्योर रखने के लिए उस पर पैटर्न लॉक लगाना चाहते हैं, फिंगर लॉक लगाना चाहते हैं या फिर पासवर्ड लॉक लगाना चाहते हैं तो उसको किस तरह से लगा सकते हैं। क्योंकि आपको बताया कि फोनपे की एप्लीकेशन हमारी काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती है, अगर किसी गलत हाथ में हमारा फोन चला जाए तो वहां से वो गलत ट्रांजेक्शन वगैरह भी कर सकता है, इसलिए आपको अपने फोनपे की एप्लीकेशन पर हमेशा लॉक लगा के रखना चाहिए। तो आज के वीडियो में आप लोग को इसी का प्रोसेस बताऊंगा कि आप अपने फोनपे की एप्लीकेशन को किस तरह से लॉक कर सकते हैं जिससे कि बिना पासवर्ड के कोई भी आपकी फोनपे की एप्लीकेशन को एक्सेस ना कर पाए। तो अगर आप भी इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं कि फोनपे की एप्लीकेशन में किस तरह से लॉक को एनेबल किया जाता है तो आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो लॉक होता है फोनपे के अंदर कोई डिफॉल्ट लॉक नहीं होता, वहां पे सिर्फ एक बटन दिया होता है। आपका लॉक वही वर्क करेगा जो कि आपने अपने फोन की स्क्रीन पे लगाया हुआ है, यानी कि अगर आपने पैटर्न लॉक लगाया हुआ तो आपकी फोनपे की एप्लीकेशन में भी आप पैटर्न लॉक को एनेबल कर सकते हैं। अगर आपने फिंगरप्रिंट लॉक अपने फोन में लगाया हुआ तो आप उसे एनेबल कर सकते हैं, और अगर आपने पासवर्ड वाला लॉक अपने फोन की स्क्रीन पे लगा रखा तो आपके फोनपे की एप्लीकेशन में भी वही अप्लाई होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आप जो भी लॉक अपने फोन लगाना चाहते हैं वो अपने फोन में लगा लीजिए, पैटर्न पिन या फिर फिंगरप्रिंट लॉक जो भी आपको अपने फोन में लगाना है। फोन में लॉक लगाने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको फोनपे की एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी मेरी फोनपे की एप्लीकेशन में किसी तरह का आपको लॉक देखने को नहीं मिल रहा है, ये इजीली यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो अब इसको लॉक करने के लिए आपको करना क्या है कि आपको ऊपर की साइड आपका जो प्रोफाइल पिक्चर होता है लेफ्ट हैंड साइड में देखिए सबसे टॉप पे आपको इस पर टैप करना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो आपके फोन पे की पूरी सेटिंग वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा नीचे की साइड आएंगे तो यहाँ पर आपको पेमेंट सेटिंग मिलती है, और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सेटिंग एंड प्रीफरेंस का ऑप्शन मिलता है, और थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सिक्योरिटी के नाम से एक ऑप्शन मिलता है, और इस सिक्योरिटी में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पर आपको स्क्रीन लॉक का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इस बटन को आपको ऑन कर देना है। अब आपके फोन की स्क्रीन पर आपने जो भी लॉक लगा रखा है, आपने पैटर्न लगा रखा है, पिन लगा रखा है या फिर आपने फिंगरप्रिंट लॉक लगा रखा है, वही लॉक आपके फोनपे की एप्लीकेशन में भी अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि चलिए मैं इसको रिसेंट ऐप से यहाँ से हटा देता हूँ। अब फिर से मैं अपनी फोनपे की एप्लीकेशन को ओपन करूंगा तो आप देखिए कि मेरे फोन में मैंने फिंगरप्रिंट लॉक लगा रखा है, फोनपे की एप्लीकेशन भी मुझसे वही लॉक मांगा जाएगा। जब तक मैं अपना लॉक यहाँ पर नहीं दूंगा तब तक मेरी फोनपे की एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर लॉक लगा हुआ, तो चलिए मैं फिंगर टच करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी फोनपे की एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो इसी तरह से दोस्तों अगर आप भी अपनी फोनपे की एप्लीकेशन को सिक्योर करने के लिए उसमें लॉक लगा के रखना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप बहुत आसानी से लॉक लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।